हाय फ्रेंड्स, आज मेरी ड्यूटी मेडिसिन में लगी हुई है। तो आज की वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा कि मेडिसिन में क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं जो हमें करने पड़ते हैं और कैसा दिन होता है मेडिसिन में। तो मेडिसिन वार्ड में आज ड्यूटी है, तो सारे प्रोसीजर्स जो हैं वही दिखाऊंगा मैं इसमें, और आने वाली फ्यूचर में उन प्रोसीजर्स को करके भी दिखाऊँगा। और इसमें यही दिखाऊँगा कि प्रोसीजर्स जो हैं वो कैसे कौन कौन से होते हैं। तो वह मैं पहुंचने वाला हूं, तो चलिए जब पहुंचता हूं फिर मैं दिखाता हूं कौन कौन से होते हैं। दोस्तों, ये एल्पी नीडल लंबर पंचर करने के काम आती है ये, और ये है, और ये 22 गॉज की है। तो अब मैं लंबर पंचर करने आ रहा हूं, जिसमें CSF को कलेक्ट करते हैं, जिससे कि कोई भी इन्फेक्शन हो अगर जो ब्रेन तक पहुँच गया हो और सिम्टम लग रहे हो पेशेंट में, तो फिर इसको किया जाता है, उस फ्लूइड को कलेक्ट करके चल जाता है पता कि क्या चल रहा है आखिरकार CSF में और जो ब्रेन को उसको अफेक्ट कर रहा है। जो भी प्रोसीजर मैं आपको दिखा रहा हूँ वो सारे आने वाले फ्यूचर में मैं डिटेल में करके दिखाऊंगा, हर एक प्रोसीजर एक एक करके। ये होता है आर्टरियल ब्लड गैस, ये बहुत ही कम मात्रा में इसमें ब्लड इस्तेमाल होता है। इसमें जो आर्टरियल ब्लड गैस है उसकी नोट होती है कि कितना वैल्यू है इसमें, जिसमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है या फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है उसके बाद होता है। क्या हुआ जो आपने अभी देखा उसे फिटल हार्ट मॉनिटरिंग भी कहते हैं। इसमें फिटल हार्ट साउंड्स और फिटल हार्ट बीट जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखाई जाती है, और इसके नॉर्मल रेंज जो होती है वो 120 से लेके 160 के अंडर होती है। तो ये जो आपने देखा अभी नॉर्मल रेंज के अंदर ही था, और ऑर्गेनोजेनेसिस हो जाता है और हार्ट जो है सही डेवलप हुआ है कि नहीं, तो कोई भी कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट हो वो चल जाता है पता इसको देख के। ये राइल्स ट्यूब है, इसको कोई लिक्विड या कोई जूस हो गया उसको सीधा इस ट्यूब के थ्रू पेट तक पहुँचाते हैं, इसको नाक से डाला जाता है। ये एडल्ट साइज़ में है, 16 और 18 एडल्ट साइज़ में आते हैं। 14 भी एडल्ट होता है पर वो जो होता है वो पतला होता है तो वो जल्दी ब्लॉक हो जाता है, तो मैं अभी ये लगाने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं फॉलिस कैसे तक लगाने जा रहा हूँ। ये होता है यूरोबैग, यूरोफ्लेक्स भी कहते हैं। इसमें यूरिन आकर इकट्ठा होता जाता है और फिर उसकी हम कलेक्ट कर सकते हैं। ये है वो कलेक्टर जिसको ग्लांस पेनिस के थ्रू अंदर डालते हैं और यूरेटर से होता हुआ बैडर में पहुंच जाता है, फिर इसमें बैलून इन्फ्लेट हो जाता है और ये लग जाता है। तो मैं इसे लगाने जाऊंगा, तो उसके बाद मैं बताता हूं क्या होता है। पॉलीज कलेक्टर तब लगाते हैं जब पेशेंट का यूरिनेशन पे कंट्रोल नहीं रहता है, वो ऑटोमेटिकली यूरिनेट करता रहता है बिना किसी कंट्रोल के, तो उसको कलेक्ट करने के लिए कि वो ज़्यादा कहीं भरे ना, इसलिए एक बैग में ही कलेक्ट होता रहेगा, इसे लगाया जाता है। और जैसे कोई एक्सीडेंट का केस हो गया या फिर स्ट्रोक हो गया किसी पेशेंट को जिसमें उसका ब्लैडर कॉन्शियस जो है अब वो नहीं रहा, तो यूरिनेट करता रहेगा, तब लगाया जाता है।